हेलो फ्रेंड, कंप्यूटर नॉलेज इंटरनेट चैनल के अंदर मेरा कंप्यूटर नेटवर्क का पूरा कोर्स जो है वो आप समझ सकते हो। तो पिछली वीडियो में मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर की तरह ही मैंने आपको कंप्यूटर नेटवर्क की प्लेलिस्ट के अंदर बहुत कुछ टॉपिक के बारे में समझाया। कंप्यूटर नेटवर्क का पूरा कॉन्टेंट एन प्लस का कोर्स मैंने आपको समझाया आप लोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि कंप्यूटर का नेटवर्क और नेटवर्क कैसे चलता है, इंटरनेट कैसे चलता है और कंप्यूटर कैसे कम्युनिकेशन करता है, कैसे नेटवर्क को सेटअप करना है, तो इन सभी वीडियो को पिछली वीडियो जितने भी है वो जाकर देख लीजिए और समझिए किस तरह से ये सारी चीज़ें होती हैं पर। ओके, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो टोपोलॉजी समझ लीजिए, टोपोलॉजी क्या होती है, वॉइस सिस्टम क्या होती है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए वरना आपको पता नहीं चलेगा। तो इथरनेट हब के बारे में समझाया था, इथरनेट हब टेक्नोलॉजी क्या होती है, क्योंकि हमारा जो वीडियो चल रहा है डिवाइसेस के बारे में चल रहा है यहाँ पर, और हब टेक्नोलॉजी के बारे में मैंने कुछ समझाया था कि हब टेक्नोलॉजी क्या होती है, इसका लेयर फंक्शंस वगैरह कनेक्शन मल्टीपल हब भी कैसे होता है, इस तरह की आपके सामने बहुत कुछ मैंने आपको समझाया था। लेकिन इसकी प्रॉब्लम भी बहुत सारी है हब की, और उसको किस तरह से सॉर्ट आउट, किस तरह से किस डिवाइस ने चेंज किया, तो उसका नाम है स्विच। ओके, तो उस प्रॉब्लम को कौन कौन सी प्रॉब्लम जो थी और मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था। ओके, तो ध्यान से समझिए, वो पिछली वीडियो में काफ़ी मैंने आपको इसके बारे में बताया था। आज ये 45 टेक्नोलॉजी कब आई थी, किस तरह से आई थी और पॉपुलर कैसे हुई थी। ओके, और इसका क्यों मेन चीज़ है कि नेसी कार्ड ये सो था पिछले पुराने टाइम के अंदर, तो ये बहुत ही बड़ा है। ओके, तो यहाँ पर मैंने आपको आर सी केबल सिस्टम्स वगैरह समझाया था, कॉक्सल केबल जो होती है वो फिर बाद में टेक्नोलॉजी आई थी। तो आज हमारा फिर से कंटिन्यू करते हैं कि जो हमारा पिछला वीडियो और मैंने आपको कहा था कि यही से स्टार्ट करूँगा, तो ये से हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको यहीं से मैंने कंटिन्यू करने को कहा था मैंने आपको। ओके, तो पिछली वीडियो में आपको समझाया था कि कॉक्सियल केबल जिसको आरसीए केबल भी बोलते हैं, ओके, तो कौन कौन सी किस तरह से कम्युनिकेशन वगैरह जो होती थी, उन वीडियो को देखने के बाद ही इस वीडियो को देखिए, क्योंकि हमें स्विच को काफ़ी डिटेल में समझना है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है, मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हो। ओके, यूट्यूब की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर, ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, ये चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते हो किस तरह का आइकॉन भी है, और आपको इसके ऊपर इस तरह से कनेक्ट आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मेरे ये पुराना नाम है, ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालाँकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से अपने चैनल पर आ जाओगे, यहाँ पर बहुत सारे आपके कंप्यूटर के कोर्स की वीडियो मिलेगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट और एडवांस लेवल पर, जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह के आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे, वीडियोज़ पर जैसे ही क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस एथिकल हैकिंग और सर्वर की भी मैं वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितने भी प्लेलिस्ट है आपके सामने देख सकते हो, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जितने भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और नया
जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है, कॉम्पोनेंट नॉलेज एंड ट्रेनर नाम से। ओके, तो जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हो तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट की है, ओके, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको एथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको वो मिलता रहेगा कॉन्टैक्ट में। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए, यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कंप्लीटली कम्प्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का, आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं एडवांस लेवल पर, ओके, कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किसे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझा है यहाँ पर, वो भी बताया है यहाँ पर, विंडो 7, 8.1, विंडो 10, 11 सब कुछ, और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है, इनकी प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया है यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप जैसे थे कि एंड्रॉयड क्या है, एंड्रॉयड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह, वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट, इसके नए नए फीचर्स आए, वो भी देखिए। और कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज़ के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक्स से, ओके, विंडोज 7 बेसिक्स से। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो विंडोज 7 बेसिक्स से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल को मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए, सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है ध्यान से। ओके, और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है, कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, कैसे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेडे लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्यून है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करता जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा, ओके, तो उसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है, मैं अपना सिस्टम जो है, अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली अपडेट करता रहता हूँ, तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हो यहाँ पर। ओके, तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट टाइप की जो लेवल का जो एक, जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकती हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम मैं अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। ओके, तो जितने भी प्ले लिस्ट है उनको वन बाय वन समझिए। ओके, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है, आप सीख सकते हो। अगर आपके पास पहले से बेसिक काम होना चाहिए, तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो, तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो, नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो बेसिक से शुरुआत कीजिए, अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है। ओके, तो इस तरह से वीडियो देख सकती है कि जो है आपको देखनी है वन बाय वन करके। ओके, और जितने भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके, इनको पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। ओके, और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है, तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए। ओके, तो मैं जितना हो सके मैं डिटेल में एंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वाइज ही देखिए।
तो हम बात करते ही हमारी मेन इम्पोर्टेंट ऑफ पार्ट कि जब भी हमारा कोई भी क्लाउड के अंदर कनेक्शन करते हैं तो जितने भी हमारे डेटा जो है वो आपस में जो है कलेप्स कर जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे डेटा जो है रेप्लिकेट करके, मतलब कि इस हब टेक्नोलॉजी के कारण एक दूसरे के अंदर जो होता है वो चेंज होता रहता है आप हब टेक्नोलॉजी का। तो हब क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वो रिपीटर के साथ जुड़ा हुआ, रिपीटर टेक्नोलॉजी उसके साथ जुड़ी हुई होती है उसके अंदर, और हब इस टेक्नोलॉजी को इसके अंदर वायर यूज होते हैं, यूटीपी केबल, एसटीपी केबल, ओके कोई भी केबल यूज करो, लेकिन जो केबल होता है वो क्रिस्टल क्लियर केबल होना चाहिए, केट 5, केट 6, केट 7, केट 8, आज के टाइम के अंदर कैटेगरी से। इस केबल की वीडियो में अलग से लेकर रहूँगा, केबल के इस तरह से होते हैं यहाँ पर, हर तरह के केबल की टेक्नोलॉजी में समझाऊंगा, लेकिन इतना समझो कि इस तरह का जो वायर जो होता है उसी के अंदर कनेक्टर जो है फिट करना होता है, मैंने आपको समझाया था। तो पुराने ज़माने में मैंने जैसे कहा कि कॉक्सिल केबल जो था, कॉक्सिल सिस्टम जो थी, इसी कनेक्टर के थ्रू कनेक्ट होकर हम पुराने ज़माने में जो थी वो 1971 से पहले का जो देख सकते हैं कम्युनिकेशन करने की शुरुआत हुई थी। अब ये जब कम्युनिकेशन अच्छा कम्प्लीटली हुआ, पहली बार नेटवर्क बना कंप्यूटर का, तो उसके बाद मैंने कहा था कि पॉइंट, पिछली वीडियो में समझा था कि पॉइंट टू पॉइंट सक्सेस होने के बाद पॉइंट टू मल्टीपल दोनों एक कंप्यूटर से दो कंप्यूटर को कनेक्ट करके सक्सेस हुई। उसके बाद बर्स्ट टोपोलॉजी आई और फिर उसके बाद रिंग टोपोलॉजी, आपको मैं समझा। अब इस तरह की टोपोलॉजी की आइडियाज आने के बाद कंपनीज जो थी, अलग अलग कंपनीज इस तरह के सिस्टम के अंदर इन्वेस्ट होने लगा। ओके, तो एक्चुअली मैं IBM कंपनी जो थी वो नेटवर्क में भी इंटरेस्ट होने लगे। ओके, ऐसा नहीं कि हार्डवेयर में आए, नेटवर्क में भी एंटर होने लगी। तो वहाँ पर जो साइंटिफिक रिसर्च वगैरह जो हुई थी उसके अंदर मैश टोपोलॉजी आपको सामने देखने को मिलती। ओके, इस टोपोलॉजी के अंदर ध्यान से देखिए कि हर केबल एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, और उस केबल को ज्वाइन करने के लिए पोर्ट भी आपको चाहिए होगा RJ45, और यहीं पर ही हमारा जो है RJ45 पोर्ट काफ़ी पॉपुलर हुआ, क्योंकि उस टाइम के अंदर ये जो केबल सोल को पोर्ट जो था वो यहाँ पर आपको RJ PCI कार्ड से ही हम यूज़ करते थे। ओके, तो RJ11 RJ45 कम्युनिकेशन के लिए काफ़ी बेहतर साबित हुए। तो जितने मैश टोपोलॉजी के अंदर अगर आपको एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट करना है तो आपको दोनों के अंदर PCI कार्ड ऐड करना पड़ता था, क्योंकि उस जमाने के मदरबोर्ड के अंदर ये जो था पोर्ट अवेलेबल नहीं था। तो अगर मुझे मैश टोपोलॉजी की तरह, इसी मैप की तरह मुझे कनेक्शन करना है एक दूसरे के साथ, तो मुझे बहुत सारे कार्ड चाहिए होगी, बहुत सारे से पोर्ट चाहिए होता है। तो आज के मदरबोर्ड के अंदर सिर्फ एक ही बोर्ड आता है, एक ही पोर्ट आता है लोगों की, क्यों? क्योंकि एक ही पोर्ट जो है आज के मदरबोर्ड में, चाहे मॉडर्न टाइप का मदरबोर्ड हो, डेस्कटॉप की बात कर रहा हो, सिर्फ लैपटॉप की, एक ही पोर्ट मिलेगा। लेकिन सर्वर में ऐसा नहीं होता, सर्वर में ऐसे बहुत सारे आपको पोर्ट मिले, मिनिमम आपको दो पोर्ट मिल ही जाएंगे सर्वर के अंदर। फिर आप चाहते हो कि अलग से पोर्ट खरीदना चाहते हो तो वो बात अलग है, लेकिन सर्वर में ये मिनिमम दो पोर्ट तो मिलते ही आपको। ओके, तो अगर मैश टोपोलॉजी की हम बात करें तो उस टाइम के अंदर लोग क्या करते थे, इस तरह की इस तरह से डबल पोर्ट वाले खरीदते थे, और इस तरह से दो और खरीद लिए तो चार पोर्ट हो गए, तो एक पोर्ट का केबल यहाँ पर जाएगा, दूसरे पोर्ट का यहाँ पर जाएगा, इस तरह से जो है डेटा जो है इसको सेंड करने या रिसीव करने का उस टाइम के अंदर काफ़ी पॉपुलर ये पोर्ट हो चुका था। तो सभी कंपनी ने ये चीज़ देख ली कि ये नेटवर्क के अंदर काफ़ी बेहतर तरीके से कम्युनिकेशन हो रहा है, तो इस तरह से मैश टोपोलॉजी भी काफ़ी पॉपुलर होने लगी। इस तरह का जो कनेक्शन करना था एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के अंदर, अगर एग्जांपल फिर से कहूँ कि मुझे ये पोर्ट जो है, इन दो पोर्ट का यूज़ करके मुझे ये दो कनेक्शन इसके मिल गए, फिर यहाँ पर इसके अंदर भी ये पोर्ट, तो इसको ये कार्ड बहुत चाहिए होते थे। ओके, हर कंप्यूटर के अंदर इंडिविजुअली हर सभी का जो है कनेक्शन है, देख सकते हो कि यहाँ पर इसका वायर कनेक्ट है, यहाँ पर इसका डायरेक्ट वायर कनेक्शन है, इसका वायर इसके साथ डायरेक्ट कनेक्शन, इसका वायर इसके साथ कनेक्शन,
उसी तरह से इसका इसके साथ कनेक्ट है, इसका इसके साथ कनेक्ट है, इसका इसके साथ कनेक्शन है, इसका इस तरह से कनेक्शन है, इसका हर वायर जो है इसके साथ, तो हर सभी को जो है चार पोर्ट मिनिमम होनी चाहिए, तब जाके ये जो है कम्युनिकेशन में होगा। कहने का मतलब कि इस टोपोलॉजी क्या यूज होती है, किस तरह से होती है, मैंने आपको समझाया था कंप्यूटर की नेटवर्क की प्लेलिस्ट में, आप जाकर देख लीजिए। तो मैंने नेटवर्क की प्लेलिस्ट में टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी समझाई हुई यहाँ पर। ओके, तो ये पॉपुलर होने के कारण जो थी वो डिवाइस भी बनाई गई, ब्रिज डिवाइस। तो उस टाइम के अंदर RCA ब्रिज डिवाइस था, तो लेकिन नेटवर्क डिवाइस बनाने वाली कंपनी RJ45, और कंपनी जो जो थी मदरबोर्ड बनाने वाली कंपनी, तो थी उसको फिक्स कर दिया गया पोर्ट मदरबोर्ड के अंदर। तो ऐसे में फर्स्ट टाइम जो था वो देख सकते हो कि कम्युनिकेशन में काफ़ी सक्सेसफुल रहा, और यहीं से ज़्यादा फास्ट और काफ़ी बेहतर तरीके का जो है हमने एक सिस्टम आप देख सकते हो कम्युनिकेशन मिला। अब इंजीनियर को ये आइडिया आया कि इसी पोर्ट को अगर हम देख सकते हो कि आप देख सकते ब्रिज, ऐसे ब्रिज जो है तो इस ब्रिज के अंदर 6-7 और हम पोर्ट लगा दें तो ये चीज़ बन जाएगी ब्रिज की तरह, एक सिस्टम बनाई जाएगी। तो इसको मेन हॉरिजॉन्टल में ही और इसके कनेक्टर्स बनाए गए काफ़ी, और सभी कंप्यूटर एक साथ कनेक्ट हो एक साथ। तो इसको एक ऐसे डिवाइस की ज़रूरत थी, इसको कहते हैं हब, हब हब। ओके, तो हब जो बोलते हैं, ओके, तो हब जो बोलते हैं हम, ये सब क्यों कहते हैं, तो हब जो है RCA केबल को अब हटाकर इस सिस्टम के अंदर भी ये काफ़ी बहुत पॉपुलर हुआ। अब हब जो आया था वो पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी को हटा दिया, और अगर आपको हब कनेक्ट करना है तो आपको ये RJ45 वाला पोर्ट तो लेना ही होता है यहाँ पर, और यहीं से ही हमारा जो है फिक्स होगा सभी सिस्टम के अंदर पोर्ट। ये काफ़ी पॉपुलर हुआ और बेहतर तरीके से यूजफुल करने के लिए। तो इसका क्रिम्पिंग टूल, क्रिम्पिंग सिस्टम, इसका डिमांड हुआ काफ़ी बहुत, मार्केट में बढ़ने लगी। और ठीक है, तो ये जो चीज़ है वो काफ़ी आपको ध्यान से देखोगे कि तो यहाँ पर ये RJ45 केबल का यहाँ पर भी आपको कम्युनिकेशन मिलता है यहाँ पर। ओके, तो हब टेक्नोलॉजी जब फर्स्ट टाइम बनाई गई थी कुछ सेंट्रल डिवाइस को बनाए गए, लेकिन प्रॉब्लम यहीं पर ही स्टार्ट हो गई कि हब जो था वो सबको रिपीट करके सबको जो डेटा भेज देता था, और यहीं पर हमें कुछ ऐसा डिवाइस चाहिए जो इस सिस्टम को इस जैसे कि इसकी जो रेप्लिका जो है, मतलब इसके अंदर रिपीट जो होती है, मतलब कि एक कोई डेटा सिग्नल भेजता है तो उसको क्या करता, सभी पोर्ट के अंदर वो भेज देता था, इस तरह से उसका कनेक्शन वगैरह जो होता था यहाँ पर। और रिपीटर का बैकग्राउंड में देखोगे कहीं पर भी सिग्नल जो है, मान के चलते हैं कि ये जो सिस्टम है देख सकते हैं आप, ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ कि एक किसी ने डेटा भेजा तो वो सबको भेज देता है, सबको डेटा भेज देगा। तो इसमें क्या होता है कि कुछ डेटा जो है सबको भेजने के कारण ये डेटा फिर उसने भेज दिया एनिमेशन में। तो ये जो मेन चीज़ है क्या होती है कि जिसको डेटा चाहिए होता था उसको मेन भेजना होता था, सबको भेजना की जरूरत नहीं है। जैसे कि अगर किसी एक ने भेजा है तो सबको भेज देगा, फिर दूसरे ने भेजा, तो यहाँ पर क्या होता है कि काफ़ी बढ़ जाता है और हब जो है काफ़ी बिजी हो जाता है। तो काफ़ी एक जगह से दूसरी जगह पर ये भेजने के लिए काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती थी यहाँ पर। तो कम्युनिकेशन के लिए काफ़ी ऐसे सिस्टम्स और कम्युनिकेशन के लिए काफ़ी ऐसे कुछ प्रोटोकॉल जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो चुके थे डिवाइसेस के अंदर। ओके, तो डिवाइसेस के लिए काफ़ी प्रोटोकॉल्स ऐसे क्रिएट किए गए कि इसका भी कुछ प्रोटोकॉल्स हो, और वहीं से शुरू हुआ हमारा स्विच टेक्नोलॉजी। स्विच जो है उसकी खुद की अपनी एक आईडी भी होती है। ओके, और उसके अलावा उसके अंदर भी एक लॉजिकल यूनिट होता है उसका मेन प्रोसेस करने के लिए। जैसे कि अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आपके पास स्विच है तो इसके अंदर एक रैम होती है, एनवी रैम। और यहाँ पर ध्यान से देखोगे कि कोई भी डिवाइस हो, कोई भी सिस्टम हो, अगर कोई रैम सिस्टम या कोई मेमोरी है तो उसका 100% उसका जो डेटा जो होता है उस सिस्टम के अंदर उसकी रीड मेमोरी के अंदर होगा ही होगा, क्योंकि उसको इस तरह से बनाया गया होता है कि कोई भी कहीं से भी आता है तो उसका मेन इम्पोर्टेंट पार्ट जो होता है वो आपको समझना होता है कि कहाँ पर इसका मेन इम्पोर्टेंट मेन बेस कनेक्शन होगा, मेन कहाँ से इंटरनल होगा, कहाँ से
आउटसर्च होगा, कहाँ इनपुट होगा, कहाँ आउटपुट होता है, इस तरह से। तो ये जो शुरुआत हुई थी, मतलब कि स्विच की इस तरह की सोच की बहुत शुरुआत हुई थी डायल पर सिस्टम से। इंजीनियर, नेटवर्क इंजीनियर ने ये देखा, ये समझा कि अगर हम किसी को भी नंबर डायल करते हैं तो एग्जैक्टली वही जगह पर ही नंबर लगता है, और वहीं पर ही हमारा जो वॉइस जो है वहीं पर ही हमारी आवाज़ वहाँ पर ही चली जाती है, कहीं और नहीं लगता है। और कहीं और लगता है तो ऑटोमेटिकली जो है कनेक्शन जो है कट हो जाता है। वो कौन करता है? मेन सेंट्रलाइज कम्युनिकेशन सिस्टम। तो इंजीनियर ने सेंट्रलाइज कम्युनिकेशन सिस्टम भी काफ़ी बेहतर उसके अंदर सिस्टम सेट किया। अब इससे भी पहले बहुत कुछ जो है प्रॉब्लम जो शुरुआत हुई थी उससे भी पहले, अगर आपको इंटरनेट चलाना है तो इंटरनेट का भी डेटा आएगा। तो हब के अंदर अगर इंटरनेट का डेटा आएगा तो वो भी हब रिपीट करता रहेगा। तो इसका भी एक इम्पोर्टेंट जो है राउटर का अलग से मैक आईडी होता है, उसका भी अलग से प्रोटोकॉल्स होता है, उस हिसाब से पिन जो है बनाई गई है उसका कंट्रोल ही दे सकते हैं आप। कि कॉक्सर केबल जो है आपके बाहर से, घर के बाहर से जो है कोई भी कंपनी का है, कोई भी कंपनी का आपका ब्रॉडबैंड, आज के टाइम के अंदर राउटर चल रहा है डीएसएल राउटर, लेकिन उस टाइम के अंदर इस तरह से मॉडेम होते थे, पुराने जमाने के मॉडेम होते थे। आज भी कई जगह पर ये मॉडेम यूज होते हैं पुरानी टेक्नोलॉजी के अंदर। तो क्या होता है कि जहाँ से बाहर से केबल आता है कोई कंपनी आपके घर से या फिर दरवाजे से, वो लेकर आपको घर के अंदर ये डिवाइस लगा हुआ होता है। अब ये घर के अंदर आपको कंपनी देती है या तो फिर अलग से आपको परचेस करना होता है, फिर लेकर भी वो केबल यहाँ पर ज्वाइन कर देगी और आपको ये इथरनेट केबल दे देगी। ओके, और यहाँ पर पावर ज्वाइन करके आपको पावर देना है, ऑन करना है, और स्विच ऑन करके वो कुछ चीज़ें इसके अंदर जो है सेटिंग करनी पड़ती है प्रोटोकॉल्स को, सेटिंग करने के बाद वो आपका इंटरनेट शुरू कर देगा। लेकिन मान के चलते हैं कि इसके साथ अपने हब कनेक्शन किया है, तो हब को मैंने कहा था कि हब के अंदर प्रॉब्लम है दो तरह की, कि एक सिग्नल भेजेगा तो वो सबको भेजेगा, दूसरा कि एक जैसे सिग्नल भेजेगा दूसरे भी सेम भेजेगा तो डेटा हो जाएगा कोलैप्स और नेटवर्क बहुत ही बिजी रह जाएगा और आपको डेटा भी मिलने के चांसेस ना के बराबर भी होता है। तो अगर ये सिस्टम आ गई उस हब के सिस्टम में, ध्यान से देखना कि प्रॉब्लम यहीं से शुरू, उस वक्त सिर्फ आपको डेटा रिसीव करने के लिए आपको मिलेगा, सेंड नहीं करवाओगे। तो इसको भी काफ़ी इंटेलिजेंस इसका भी कंट्रोल हो जाए, अगर बाहर से कोई इंटरनेट का डेटा आता है तो इसको भी पता चल जाए, इसका भी कुछ अलग से प्रोग्रामिंग और इसका प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल था मैं स्टॉपलॉजी के ऊपर से हब टेक्नोलॉजी बनी। हब टेक्नोलॉजी जब बनी तब बहुत सारी कंपनी जो थी आई, सिस्को कंपनी की तरफ से ये स्विच और स्विच कंपनी की तरफ से ही हब जो है, मैंने आपको समझाया था। तो सिस्को कंपनी जो थी उसने शुरुआत की थी नेटवर्क बनाने की, डिवाइसेस बनाने की, रिपीटर वहीं से शुरुआत हुए था, यहाँ पर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल सिस्को की तरफ से हुआ था। सिस्को कंपनी का एक अलग से काफ़ी बेहतर तरीके से उसका यूजफुल रहा, यहाँ पर ये कोई कहे कि 95% जितने भी डिवाइस बने सिस्को कंपनी ने ही बनाए, बाकी जितने भी जो थे यहाँ पर देख सकते कि आई बी एम नेट गियर है, डी लिंक है, जितने भी वगैरह जो भी एक्स वाई जेड जितने भी कंपनीज हैं वो सिर्फ इन्वेस्ट करती है और अपना नाम जो है अपना सिंबल ट्रेडमार्क वो ले लेती है यहाँ पर। तो कहने का मतलब ये है कि स्विच टेक्नोलॉजी जब आई तो उसको काफ़ी बेहतर सुधार आ गया हब को। तो हब को जो है ध्यान से रखें कि अब हब का यूज होने के ना बराबर ना के बराबर, क्योंकि स्विच टेक्नोलॉजी आ गई थी। और इसमें ऐसा क्या था कि ये इन सभी प्रॉब्लम को काफ़ी 95% तक इसने ख़त्म कर दिया। तो कंट्रोल यूनिट इसके अंदर मेन इम्पोर्टेंट है कि जब भी कोई डेटा जो होता है वो आता है तो इसको स्विच ये समझता है, कोई भी भेजता है तो उसको अपने आप को इनपुट समझ लेता है, और जिसको भी भेजना होता है उसको आउटपुट भेजता है। तो आउटपुट ऐसे डायरेक्टली भी ये नहीं भेजेगा, इसको भेजने के लिए भी आपको उसके लिए क्या करना पड़ता है, प्रोसेस करनी पड़ती है। अब ये प्रोसेस कैसे करता है, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, उसके अंदर एक इम्पोर्टेंट पार्ट ये होती है। इसके अंदर भी एक तरह की चिप लगी हुई थी, चिप यूनिट होती है ओके, और उसके अंदर मेमोरी होती है, उसकी खुद की अपनी मेमोरी होती है, जबकि इसके अंदर कोई मेमोरी नहीं होती, इसके अंदर कोई कंट्रोल यूनिट नहीं होती। इस वजह से ये सिर्फ रिपीट करके
आगे सिग्नल भेज देती है। ओके, यही इसका काम है। इस वजह से ये स्विच के अंदर मतलब कि हब के अंदर ये प्रॉब्लम, लेकिन स्विच के अंदर ये चीज़ नहीं होती। स्विच के अंदर ये चीज़ निकाल कर इसके अंदर ये रिपीट भी, मतलब कि ये जो ये रिपीट होता है, ये जो है एम्पलीफाई करता है अपने सिग्नल को, लेकिन जहाँ पर डेटा भेजने के बाद वो एम्पलीफाई करता है, इससे डायरेक्टली वो एम्पलीफाई नहीं करता। तो स्विच जो है उसका कम्युनिकेशन सिस्टम, उसका कम्युनिकेशन डिज़ाइन, उसकी सर्किट डिज़ाइनिंग, उसका पूरा चिपसेट एरिया जो है काफ़ी अलग होता है। कभी भी कोई डेटा आएगा सीधा ALU के पास जाएगा, ALU की मेमोरी यूनिट का चेक करेगा कहाँ पर भेजने के लिए, यहाँ से जो पैकेज आया, जो भी डेटा आया है उस प्रोटोकॉल के हिसाब से, प्रोटोकॉल जो होता है इसका भी प्रोटोकॉल होता है, तो यहाँ पर इस प्रोटोकॉल के साथ मैच करेगा और सीधा वो भेज देगा। यही से इसका मेन प्रॉब्लम जो है ख़त्म हो गया हमारा बार बार रिपीट होना। ओके, और एग्जैक्टली सही जगह पर हमारा जो डेटा है स्विच काफ़ी भेज रहा है यहाँ पर। तो स्विच आज के टाइम के अंदर बहुत पॉपुलर हो चुकी है नेटवर्क के अंदर, नेटवर्क की स्विच के बिना आप यूज़ नहीं कर सकते। अब रही बात PCI कार्ड, इस तरह की जो PCI कार्ड जो थी अब आपको मार्केट में मिल सकते बाहर से, लेकिन कंपनी ने ऑलरेडी जितने भी मदरबोर्ड बनाने वाली कंपनी जो थी 1991 के बाद 1985 के बाद, तो 1985 और 1991 में ये पॉपुलर होने के कारण सभी जगह पर ये परमानेंट ये चीज़ हो गई, और इसको कैट नाम से केवल जाना गया। और जहीं पर भी आपको कहीं पर भी आप जाते हो तो इसके अंदर आपको ये चीज़ देखने को मिलती है इस टेक्नोलॉजी को। ओके, लेकिन ये टेक्नोलॉजी काफ़ी पुरानी हो गई थी और इसको देख सकते हो कि 2003 में तो पूरे वर्ल्ड में ये फेमस हो और 2000 और 2001 में तो ये काफ़ी वही वर्ल्ड फेमस हुई थी। लेकिन अब इसके अंदर ट्विस्ट आता है फाइबर ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी। ऐसा नहीं कि आपका कैच फाइबर ट्विस्टर पे केबल ही नेटवर्क के अंदर काम करता है। अब ये जो टेक्नोलॉजी है पुरानी हो चुकी है, काफ़ी स्लो चल रही है, लेकिन इसके मुकाबले ये जो है फास्ट है। इसको कहते हैं फाइबर ऑप्टिकल PCI कार्ड, आप देख सकते हो फाइबर ऑप्टिकल। ओके, तो ये जो है फाइबर ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी न्यू जनरेशन टाइप की टेक्नोलॉजी है, नए टाइप की टेक्नोलॉजी है, और ये आज के टाइम के अंदर जितने भी पूरे वर्ल्ड में जितने भी एक देश से दूसरी जगह पर या एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर जो भी वायर जो कनेक्शन होता है ये फाइबर ऑप्टिकल केबल से ही होता है, देख सकते हो। इसके अंदर कॉपर केबल नहीं होता, इसके अंदर फाइबर ग्लास होता है। ये क्या होता है, किस तरह से होता है, आप खुद भी सोच कर हैरान रह जाओ कि कोई भी मटेरियल जो होता है वो फाइबर किस तरह से ग्लास से कैसे होता है यहाँ पर। तो ये जो टेक्नोलॉजी है कैसे है, किस तरह से मैं आपको समझाऊँगा वन बाय वन करके, लेकिन आज के टाइम के अंदर यही चल रहा है यहाँ पर। लेकिन इसको जो है काफ़ी इसकी 100 Mbps हो, ज़्यादातर एक सेकंड में 100 Mbps वो डेटा को भेजता है, बहुत 150 Mbps, लेकिन ये कम से कम 2.5 GB तक भी भेज सकता है, 2.5 GB तक भी ये डेटा भेज सकता है एक ही सेकंड के अंदर। और इसका जो कनेक्शन वगैरह जो होता है ट्रांस रिसीवर होता है इसका, देख सकते हैं एक रिसीवर होता है यहाँ पर पिकअप करने वाला, सेंडिंग करने वाला, इसको इस रिसीवर को यहाँ पर लगाना होता है और इसकी पिन को जो है यहाँ पर इसके पीछे लगाना था। तो पहले इसको यहाँ पर लगाते इस पिन के अंदर, फिर बाद में चीज़ जब मैं आपको कनेक्शन करना बताऊँगा। लेकिन ये इसको इस टेक्नोलॉजी कहते हैं फाइबर ऑप्टिकल केबल टेक्नोलॉजी, फिर से कहता हूँ इसको कहते हैं फाइबर ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी कहते हैं, और इस टेक्नोलॉजी को कहते हैं ट्विस्टर पेयर केबल टेक्नोलॉजी। इसको RJ45 केबल कहते हैं इथरनेट, लेकिन इसको ई फास्ट नेट पोर्ट कहते हैं, इस फास्ट इलेक्ट्रिकल फाइबर पोर्ट भी आप कह सकते हो इस टेक्नोलॉजी को। ओके, तो ये किससे काम करता है, किस तरह से काम जो यूजफुल होता है यहाँ पर, इस किस तरह से होता है, इसके अंदर ही बहुत सारे कैटेगरी है, सिंगल मोड फाइबर केबल, मल्टी मोड फाइबर ऑप्टिकल केबल। तो ये ऑप्टिकल लाइट के ऊपर काम करता है यहाँ पर, जबकि ये कॉपर केबल जो है इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर काम करती है। ओके, इसके अंदर भी बाइनरी कोड जाता है, इसके अंदर भी बाइनरी कोड जाता है, लेकिन दोनों में फ़र्क है। ये इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रिकल सिस्टम का काम करता है, लेकिन लाइट पर काम करता है। ओके, तो हम नेक्स्ट
इसको समझेंगे इन केबल की जब हम बात करेंगे। अभी तो हम यहाँ पर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको शुरू करूँगा कि सर्वर का नेटवर्क किस तरह का होता है, क्या है स्विच का नेटवर्क। तो जब सर्वर के सिस्टम की बात करें या फिर स्विच की नेटवर्क की बात करें, दोनों एक ही है, क्योंकि सर्वर का जो नेटवर्क है वो स्विच के ऊपर ही डिपेंड होता है। तो स्विच के अंदर जैसा आप नेटवर्क करोगे उसी तरह से सर्वर का भी नेटवर्क हो जाएगा। तो जब अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो मैं इस तरह से इसको नेक्स्ट में समझाऊंगा कि जब हम सर्वर का अलग से नया सिस्टम समझेंगे तब आपको काफ़ी आसानी रहे, उस तरह से मैं आपको समझाऊंगा। तो बेसिकली नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं कंटिन्यू करूँगा क्या है स्विच का नेटवर्क, वो मैं इस तरह से आपको समझाऊँगा कि सर्वर का भी नेटवर्क आपको कम्प्लीटली समझ में आ जाए और स्विच का भी सिस्टम फिर समझ में आए। तो पहले हमने समझ लिया कि क्या है हब, इसकी प्रॉब्लम क्या है, और फिर बाद में हमने स्विच के बारे में हमने समझा कि इसके अंदर क्या ऐसी चीज़ होती है जो इम्पोर्टेंट होती है। नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं प्रैक्टिकली थियरी टाइप का समझाऊंगा, जो किताब में है हमारे कॉम्प्यूटर एन प्लस की कोर्स के अंदर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो थैंक यू, हैव नेक्स्ट टाइम आई विल कम सो यू व्हाट इज़ अ स्विच नेटवर्क। तो नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करूँगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो स्विच की नेटवर्क जो होता है वो किसे किस तरह से जो है वो कम्युनिकेशन काफ़ी बेहतर तरीके से समझा जाता है। ओके, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि स्विच का जो नेटवर्क जो होता है वही सर्वर का नेटवर्क होता है, क्योंकि सर्वर जो होता है वो डेटा जहाँ पर भी भेजता है वो स्विच को ही भेजता है। ओके, फिर वहाँ से जो है जिसको भेजना होता है वहाँ से वो जो राउटर के थ्रू जाना है तो बाहर जाएगा, और उसको इंटरनल किसी डिपार्टमेंट के अंदर भेजना तो डिपार्टमेंट के अंदर, लेकिन जो भी डेटा सेंड हो जाएगा रिसीव हो जाएगा वो स्विच के थ्रू ही होगा, चाहे फिर आप सर्वर इसके अंदर ज्वाइन करो या ना करो, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट जो होता है वो आपका कम्युनिकेशन स्विच ही होता है। तो तब तक के थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब करके जिंदगी जी बने को अपने करना है। अगर कोई भी क्वेश्चन होता है मुझे कमेंट कर सकते हो, तो मेरे को करना से कोई भी आपकी वीडियो जो है मेरी मिस नहीं हो जाएगी। ओके, आपको पता चल जाएगा मेरी नई वीडियो कौन सी है। ओके, तो आप नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं। थैंक यू, हैव नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक व्हाट इज अ स्विच नेटवर्क। ओके, तो हम नेक्स्ट वीडियो में यहीं से कंटिन्यू करेंगे और काफ़ी बेहतर डिटेल में समझेंगे। तो थैंक यू। जैसे सकते कि यहाँ पर और भी एक सिटी विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेस बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे कि जैसे तो कि विंडो 10 के अंदर भी तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है, कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी, कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप इसी तरह की कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इनपुट में ये अभी सीखी और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारी यहाँ पर वीडियोस है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, माइक्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर हमने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है यहाँ पर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये पुराने आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम पावर वॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊँगा। ओके, एंड्रॉयड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक करते बहुत सारे कुछ वीडियोज़ मिलेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्ले लिस्ट में जाकर ही तरह के यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी।
ओके और कोई भी क्वेश्चन होता है मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो, तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके तो थैंक यू।